भारत ने रच दिया इतिहास, बनने वाला है महारिकॉर्ड, भारत के हाथ आया वीटो पावर, संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी और जयशंकर की दहाड़ से कांपा पूरा चीन, यूरोप और पाकिस्तान। साथियों इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन में भारत की धमाकेदार एंट्री से हिल गई है पूरी दुनिया। दरअसल भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने अपना परचम लहरा दिया है और यूनाइटेड नेशन में भारत के पहुंचने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र में भारी उलटफेर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष ने खुद भारत के समर्थन में उतरते हुए कहा है, अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया जाता है तो आने वाले 4 से 5 साल के अंदर यूनाइटेड नेशन का महत्व पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन महासभा के जो महासचिव हैं, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस जी, उन्होंने भी भारत के समर्थन में ये कहा है कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं किया जाता है तो जहां भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, ऐसी स्थिति में अगर भारत चाहे तो केवल एक दिन के भीतर ही यूनाइटेड नेशन से भी बड़ा एक मिशन बना सकता है, जिसके आगे यूनाइटेड नेशन तक फीका पड़ गया है। दोस्तों अगर यूनाइटेड नेशन में एक भी सीट को बढ़ाया जाता है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, क्योंकि आज भारत को सपोर्ट करने के लिए एक या दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया खड़ी है। आखिर संयुक्त राष्ट्र में मोदी और जयशंकर ने क्या कह दिया जिससे अमेरिका और बड़े बड़े देश ढोकला गए हैं, पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुट्ठी भर देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल अब भारत के हाथ वीटो पावर लग चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को लेकर एक धमाकेदार ऐलान करते हुए चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर एक जोरदार तमाचा रख दिया है। लेकिन अब भारत को लेकर एक और बवाल मच गया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने खुद भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएन में भारत के नए राजदूत ने सुरक्षा परिषद का छप्पर उड़ाकर रख दिया है। आजकल यूनाइटेड नेशन को लेकर रोज नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा खुद अमेरिका और यहाँ तक कि रूस भी अन्य देशों को छोड़कर भारत के समर्थन में कहते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी मेंबर बनाया जाए। और इतना ही नहीं, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में शुरू होने वाली नई बैठक जो कि 22 सितंबर से शुरू हो रही है उसमें स्पीच देने से मना कर दिया है, और इस खबर के सामने आने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हड़कंप मच गया है कि आखिर भारत ने स्पीच देने से क्यों मना किया। लेकिन बाद में यह साफ कर दिया गया कि अब भारत की तरफ से पीएम मोदी नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पीच देने वाले हैं। और ये खबर सुनते ही दुनिया के कई देशों की तो सांसें फूल गई हैं, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और कनाडा जैसे देश जयशंकर की आवाज से ही थर थर कांपने लगते हैं। दरअसल दुनिया भर के लाखों लोग भारत की सुरक्षा पर उंगली उठाते हैं, भारत के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, लेकिन अब उन लोगों को भी भारत के वर्चस्व का पता लगने वाला है। दोस्तों जो लोग नीचे कमेंट में कहते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगा तो उन्हें भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बातें पूरे ध्यान से सुन लेनी चाहिए। उन्होंने भारत का नाम लेकर और भी कई तारीफ की थी और ये कहा था कि भारत को तुरंत परमानेंट सीट देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि भारत हमेशा से बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म का मजबूत समर्थक रहा है और यह संयुक्त राष्ट्र के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले कहा कि भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया है, इसके लिए भारत सरकार की सराहना होनी चाहिए। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था। दरअसल उन्होंने कहा था यूएनएससी की परमानेंट सीट पाने के लिए भारत सबसे प्रबल दावेदार है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यूएनएससी में सुधार और नए सदस्यों को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, खास करके भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले लोकतांत्रिक देश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथियों उनके कहने का मतलब यही था कि अगर भारत को नजरअंदाज किया गया तो भारत यूनाइटेड नेशन जैसा एक दूसरा संगठन बना लेगा और इसके बाद यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, जैसा कि लीग ऑफ नेशन के साथ हुआ था।
दोस्तों अब भारत वीटो पावर का देश बनने जा रहा है। ऐसे में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीटो पावर क्या होता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड नेशन में जो स्थायी मेंबर होते हैं उन्हें वीट पावर का अधिकार होता है। वीटो पावर एक ऐसी पावर होती है जिसका मतलब यह होता है कि अगर यूनाइटेड नेशन में कोई बिल पास हुआ है और उसमें कोई भी देश अगर अपनी वीटो पावर यूज कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि अब यूनाइटेड नेशन से वो बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होने वाला। दोस्तों अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये है कि मैं इस बिल के लिए तैयार नहीं हूँ। साथियों इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत को दुनिया का लोहा मान लिया है। उनका यह कहना है कि भारत को उसका अधिकार मिल जाना चाहिए और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर भारत देश को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वेटो पावर नहीं मिला तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी है जो देश भारत को अब तक हल्के में ले रहे थे। अब उन्हें भारत की असली ताकत का एहसास होने लगा है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों से कहा कि कोई भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूती के साथ योगदान दिया है और उसका भविष्य उज्जवल है। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को वीटो पावर लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब यूनाइटेड नेशन में 5 सदस्य देशों के बाद भारत को 6ठा वीटो पावर वाला देश घोषित करने की तैयारी चल रही है। अभी तक भारत को यूनाइटेड नेशन में अस्थाई मेंबर के तौर पर कई बार शामिल किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई डालता है तो वो है चीन। दरअसल जब भी यूनाइटेड नेशन में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाने की बात होती है, यानी कि वहाँ के स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस और तमाम देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन इस पर वीटो लगा देता है। और चीन यह भी कहता है कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी मेंबर बनाना है तो इसके साथ ही पाकिस्तान को भी मेंबर बनाना चाहिए, जिस पर दुनिया के सभी देश अपनी सहमति खींच लेते और इसी के बाद ये स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन अब इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन के सभी देश दबाव बना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर भारत चाहे तो अभी के अभी एक नया यूनाइटेड नेशन बना सकता है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत आने वाले समय में ऐसा नहीं करेगा। भारत जब चाहे तब ऐसी संस्था को तैयार कर सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के समर्थन में उतरते हुए यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं बनाया जाता है तो 22 सितंबर से होने वाली यूनाइटेड नेशन की बैठक पूरी तरह निष्क्रिय कर दी जाएगी। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि भारत की ताकत कितनी हद तक पहुंच चुकी है। क्या भारत को वीटो पावर छीन लेनी चाहिए या फिर संयुक्त राष्ट्र के फैसले का इंतजार करना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भारत से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।